लर्नर ने ये थ्योरी दी जिससे हमने लॉजिकली समझ पाए कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं और इनकी रिएक्शंस को हमें कैसे कराना है। अब वर्नर की बात करी जाए तो वर्नर एक स्विस सुपरमैन कह सकते हैं आप इनको। इनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर। ज्यादा इनका जीवन काल रहा नहीं, 52 ईयर्स रहे, लेकिन इस 52 ईयर्स में इन्होंने ही वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1913 में। और इंटरेस्टिंग बात यह है, फर्स्ट इनको नोबेल प्राइज मिला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगेन एन इंटरेस्टिंग वन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे भी किसी को पसंद वसंद नहीं होती है, तो इसमें नोबेल प्राइज मिला, दैट इज अ वेरी नाइस थिंग। उसके अलावा इसी वजह से हम इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोको लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, कहते हैं। तो अल्फ्रेड वर्नर की तो ये हो गई इनकी अचीवमेंट्स की बात। अब इनकी थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स, अपनी थ्योरी से इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया। एक्चुअली ये स्टडी कर रहे थे